हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन राजस्थान पटवारी के लिए, मैथ तो और रीजनिंग के ले ही करेंगे 10 क्वेश्चन। इससे तरह हम 100 दिन में कर लेंगे 1000 क्वेश्चन। तो उस सीरीज में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे रीजनिंग के। उससे पहले मैं चर्चा करता हूँ कल की क्लास, यानी पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि आपको करना था, और उसके आंसर काफी बच्चों ने दिए और सही आंसर दिए, तो उन सब के लिए पहले तो तहे दिल से तालियां, क्योंकि उन्होंने एक एफर्ट लगाया। ठीक है, इसी तरह आप एफर्ट लगाते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह था, क्या था साहब? 4, 16, 36, फिर बताना था 9, 25, और इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। आप देख पा रहे हो इसमें सब वैल्यू क्या है, देखो स्क्वायर है, एक स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 36, इस तरह। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक तो स्क्वायर है, दूसरा देखो ये 1, ये 3, फिर ठीक है ये 5, ये 3 का स्क्वायर मतलब, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि 1 से क्या हो रहा है 2, 2 से फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर यानी 3, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 6, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा 6 से 7, और 7 का स्क्वायर आएगा 49, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे था 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एकदम इजी आंसर था इसका। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा क्या आपका सही आया। तो मुझे कमेंट करके ये भी बताया करो कि कितने क्वेश्चन थे जो आपने सही सोल्व कर लिए थे मेरे से पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर है ना, एफ, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं तो, एफ ए टी एच ई आर, फादर को क्या कोड किया जाता है किसी भाषा में, एच सी वी जे जी टी, ये करते हैं। तो आपको बताना है सिप को क्या कोड करेंगे, एस एच आई पी, सिप, ठीक है। तो देखो यार, जब भी मैंने कहा हुआ है आपको कि ना सेम वर्ड यहां पे ना आए, यहां पे अलग वर्ड्स आ रहे हैं, यहां पे अलग वर्ड्स आ रहे हैं, तो सिंपल सा काम क्या करो, इनकी नंबरिंग लिख दिया करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कहानी क्या चल रही है। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 1 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 16 पे। इनको याद करने का तरीका पटवारी की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैं आपको बता ही रहा हूं, वहां जाके आप देख सकते हैं, पटवारी की पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको, क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं साथ साथ में कोर्स भी हो रहा है, ठीक है ठीक है। R18, ठीक है, यहां पे H8, C3, V12, 22 और J10, G7 और T20। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार, 6 से 8 कैसे बन रहा है साहब प्लस 2 करके, 1 से 3 कैसे बन रहा है साहब प्लस 2 करके, 20 से 22 कैसे बन रहा है प्लस 2 करके, यही पैटर्न यहां चल रहा है, यही यहां चल रहा है, यही यहां चल रहा है। कुल नहीं करना, कुछ नहीं करना, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करना है, तो शिप में भी यही कर दो, एस एच आई पी। शिप में कितना होता है साहब, एस कितना होता है 19 होता है, एच 8 होता है, आई 9 होता है, पी 16 होता है। 19 को करोगे तो 21, 8 को करोगे तो 10, 9 को करोगे तो 11, पी को करोगे तो 18। 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है साहब यू, और 10 पे आता है साहब जे, किंग्स 11, और 18 पे अभी हमने देखा था आर, तो यू जे के आर, ऑप्शन है कि यू जे के आर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल पैटर्न था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, इसमें भी करेंगे। तो देखो इसमें हमें लास्ट में क्या पूछा है, रोहन का मुख किस दिशा में, हमें केवल मुख पूछा है, डायरेक्शन पूछिए, हम पूरा डायग्राम बनाएंगे नहीं कि ऐसे दूरियां लेके चलेंगे, नहीं, जब हमें लघुत्तम दूरी पूछते हैं तब हम देखते हैं, पूरा डायग्राम बनाते हैं, या फिर पूछते हैं कि आरंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में, तब हमें पूरा डायग्राम बनाना है। हमें पूछा है रोहन का मुख यानी लास्ट में किस तरफ देख रहा है, तो हम कतई पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। हम कैसे करेंगे, रोहन बिंदु P से उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, यह आपको आइडिया होगा, N E S W, दक्षिण सॉरी उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अब वो 20 किलोमीटर चलता है यानी उत्तर की तरफ देख रहा है,
हमारा मकसद इतना ही है कि वो उत्तर की तरफ देख रहे हैं। फिर दायां मुड़ जाता है, दायां मतलब क्या, घड़ी की दिशा में। 12 बजे ये घड़ी की दिशा में किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब मुंह इस साइड हो गया, ठीक है। दायां मुड़ता है और 20 किलोमीटर चल के बिंदु क्यू पर पहुंचता है, तो सॉरी फिर दायां मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर एक बार क्या मुड़ रहा है, दायां मुड़ रहा है साहब, ये लो दायां मुड़ गया, घड़ी की दिशा में 3 थे, 3 से 6 बज गए और 20 किलोमीटर पहुंच क्यू पे चलता है। तो रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन का मुख किस दिशा में है साहब, ये होती है साउथ होती है। आंसर क्या देगा, दक्षिण, आंसर नंबर बी, एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से कर सकती थी। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी की भाई है, तो ये बताइए डी और ए का रिश्ता क्या होगा। बस आप तो ट्री बना लो, आप ट्री बना पाओगे तो आराम से हो जाएगा। ए बी की क्या है, पुत्री है, बी है साहब एक, उसकी एक पुत्री है ए, तो ए का जेंडर हमें पता है क्या है, माइनस है मतलब फीमेल है। बी सी की माँ है, ये जो बी है वो सी की माँ भी है, माँ है तो डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव होगी, सी की माँ है, अब माँ है तो डेफिनेटली यहां ही इसका भाई होगा, क्योंकि इसकी माँ भी ये है, सी की माँ भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, सी का जेंडर नहीं पता, इतना पता है कि बी का जेंडर क्या हो गया, माइनस माँ है। डी सी का भाई है, डी है एक डी, वो सी का क्या है, भाई है, तो डी पक्का क्या होगा साहब, पॉजिटिव होगा मतलब मेल होगा, ये तीनों आपस में क्यों होंगे, भाई बहन ही होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा पूछा है, डी का रिश्ता ए से क्या होगा, डी ए का क्या लगेगा साथ, एकदम इजी क्वेश्चन था, भाई लगेगा, एकदम इजी था, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, जैसे कि हमने कहा था कि हम सिटिंग अरेंजमेंट डेली करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, अभी सिंपल लेवल के कर रहा हूं, आगे हाई लेवल के भी करेंगे। क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे, ठीक है साहब, कितने हैं साहब, 2, 8 जने, नहीं 7 जने है ना, 2, 2, 4, 5, 6, 1, 7, 7 जने है ना, एच नहीं है क्या, एच नहीं है, चलो कोई नहीं, एच नहीं है तो 7 जने केंद्र में देख रहे हैं, यानी केंद्र की तरफ मुंह है उनका। अब देखो 7 जने है तो 7 जने को कैसे बनाओगे, 8 जने बड़े आराम से बन जाते हैं, 1, 7 का क्या, देखो ऐसे बना लिया करो, ये हो गए 4, ये 5, 6 और एक ये 7, बन गए 7, ठीक है ना, 8 होता तो इस डंडे को आगे ही आते। अब क्या कह रहा है कि भाई डी एफ के बाय दूसरा नहीं है, नहीं है क्वेश्चन में क्या है, नहीं है तो इसको एक बार छोड़ो, आपको दूसरी लाइन पढ़ना चाहिए, इसको माइंड में होल्ड रख लो, है ना, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा है, सब किस तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं साहब, देख लो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, डी है ना, डी ए के दाएं दूसरा है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो दाएं किस तरह आएगा, फर्स्ट और दूसरा, यहां पर क्या आएगा, डी, पहली लाइन बनाइए, पहली लाइन छोड़ दी मैंने क्योंकि नहीं है, इसको माइंड में रखेंगे, आगे कहीं ना कहीं काम आएगी, डी ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं, ए का दाएं क्या है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये दाया होगा, ये दूसरा होगा, पहला दूसरा, ठीक है सर, सी ए के दाएं तीसरा है, सी है ए के ही है, दाया तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा सी यहां आ जाएगा, ठीक है, बन गया सी की कहानी। और सी जी के बाएं दूसरा है, सी है ना जी के भी बाया दूसरा है, तो डेफिनेटली देखो जी यहां रहा होगा, इसका बाया दूसरा क्या होगा, 1, 2 सी आया होगा, तो जी कहां आ जाएगा, यहां, देखो इसको समझने की कोशिश करना, सी की पोजीशन आ गई, जी है ना जी, सी जी के क्या है, बाया दूसरा है, या फिर मैं इसको यूं कहूं जो जी है सी के राइट में दूसरा है, उल्टी बात कह दूं क्योंकि मुझे सी यहां पे दिख रहा है। अब देखो ये दो लाइन की इसने, सी जी के बाया दूसरा है, सी जी के बाया दूसरा है क्या, देखो ये जी है बाया पहला बाया दूसरा, ठीक है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब नहीं वाली दो कहानी है, एक तो बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां नहीं आ सकता और बी यहां नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली पोजिशन क्या बची, एक बी यहां आएगा, ठीक है, आई बात समझ में, इसका कहानी खत्म होगी बी की, इसको मिटा दो, कहा है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, तो बची क्या एक जगह, यही। अब लास्ट लाइन पे आओ कि डी एफ के बाया दूसरा नहीं है, डी है ना एफ के बाया दूसरा नहीं होना चाहिए, देखो एफ यहां हो सकता है और एफ यहां हो सकता है, दो जगह है, दोनों में से एक जगह एफ होगा,
एफ यहां होता है ना तो डी इसके बाया दूसरा हो जाएगा। देखो एफ यदि यहां होता है तो डी एफ के बाया दूसरा हो गया, पहला दूसरा, तो एफ यहां नहीं हो सकता, एफ को डेफिनेटली यहां होगा। तब देखो यहां डी पहला दूसरा तीसरा हो गया, वैसे भी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो एफ यहां नहीं हो सकता, एफ को डेफिनेटली कहां होना पड़ेगा, यहां होना पड़ेगा। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई बच गया, ई यहां आ जाएगा, यह आपका पूरा डायग्राम बन गया। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप आंसर दे सकते हो। ये पहली वाली लाइन का महत्व तो समझ में आया, उससे एफ की पोजीशन फिक्स होगी। सी के एकदम दायां कौन है, सी के एकदम दायां कौन है, ई है, आंसर आ जाएगा सी ई आ जाएगा। ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है भाई साहब, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में केवल एक बैठा है, उसका आंसर क्या है, एफ, ठीक है, एफ आ जाएगा। डी के एकदम बायां कौन है साहब, डी के एकदम बायां, डी के एकदम बायां तो क्या है, बी है, बी के एकदम बायां क्या है, बी है, डी के एकदम बायां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। सी के बाएं को दूसरा कौन है, सी के बाएं को दूसरा कौन है, सी का पहले तो बायां ढूंढो, बायां कौन सा होगा, ये, और बस बायां में दूसरा, पहला दूसरा, आंसर क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर ए। तो सी के बाएं को दूसरा कौन है, ये है। डी के संबंध में ई का स्थान, डी के संबंध में ई का स्थान, डी ये रहा, ई ये रहा, इसके संबंध में देखना है, तो इसके संबंध में राइट में यानी दाएं में पहला दूसरा, दाएं में दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका बन गया इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, है ना, इजी क्वेश्चन था ये, परंतु अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी थोड़ी आपकी मेंटल एक्टिविटी बढ़ी होगी, क्योंकि मैं लेवल एक साथ नहीं बढ़ा रहा, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छी लगे लाइक क्लास तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट किया करो, उससे हमें भी पता चलता है फीडबैक क्या मिलता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो मैं लिख ही देता हूं, आपको लिखाने की क्या जरूरत है। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, 4E 8I 13N और बताना है 19T। अब आपको बताना है इसके आगे क्या आएगा, है ना। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि यार देखो 4 से 8 कैसे जा रहा हूं, प्लस 4 करके, ऐसे ही 8 से 13 जाऊंगा तो कितना आएगा, प्लस 5, ऐसे 13 से 19 जाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस 6, ऐसे आगे करने के लिए प्लस 7, 19 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। ऐसे ई टी एन टी, इनमें भी नंबरिंग लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ई कितने पे आता है, 5 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, एन कितने पे आता है, एम 14 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे। अब समझ में आ रहा है, 5 से 9 प्लस 4, 9 से 14 प्लस 5, 15 से 16 प्लस 6, ऐसी प्लस 7 करोंगे तो आ जाएगा 27। अब बात आती है 27, परंतु अल्फाबेट तो होते हैं 26, तो 26 तक जेड आ जाएगा, 26 नंबर पे क्या होता है, जेड होता है, उसके बाद 27 का मतलब क्या होता है, ए, 28 का मतलब क्या होता है, बी। ये चीज हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, आज भी बता रहा हूं, साइकिल चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो 26 के बाद जब भी हो वापस ए से स्टार्ट करो, तो 27 पे क्या आ जाएगा, ए, 26 ए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाती है कहां पे, हमारे फेसबुक पेज पे, तो वहां जाइए, वहां पे भी ज्वाइन कीजिए, केशव भानु क्लासेस सर्च कीजिए, केबीसी नाम से हमारा पेज मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये करना है आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल सा है, ब्लड रिलेशन का है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, उम्मीद है अपने आंसर भी देने, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और शाम को यानी रात को देखना, ठीक 10-9 बजे मैथ की क्लास। तो हमने आज 30 क्वेश्चन कर दिए, हमने 3 दिन रेगुलरिटी रख दी, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, और 1000 क्वेश्चन करना एक अलग ही लेवल लेके जाएगा हमें। साथ साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो, जो क्वेश्चन नहीं आता जो उसको स्टार कर लो, अपने नोट्स तैयार करो, सब चीजें करो, पटवारी की क्लासेस चल रही है उन्हें देखो, वहां पे भी देखो, अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके सर्च मार दो, चैनल को पूरा विजिट कर डालो, आपके फायदे की बहुत सारी चीजें। तो लेता हूं मैं अलविदा, नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।